हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी डीवा। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उन पिंपल्स और ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम से यूँ छुटकारा पा सकते हैं। पिंपल्स किसी को भी पसंद नहीं होते, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़। इस प्रॉब्लम से हम सभी परेशान होते हैं और ये किसी भी एज ग्रुप में हमें इफ़ेक्ट कर जाते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपको किसी फंक्शन में जाना होता है, उसके कुछ दिन पहले ही कहीं ना कहीं एक या दो पिंपल्स तो आ ही जाते हैं। तो क्या रेमेडी है जिससे आप इन पिंपल्स से यू छुटकारा पा सकते हैं? तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बेकिंग सोडा की हेल्प से पिंपल्स को ट्रीट कर सकते हैं। बेकिंग सोडा एक एक्सीलेंट रेमेडी है फॉर ट्रीटिंग पिंपल्स, ब्लैकहेड्स एंड एक्ने। ये एक माइल्ड एक्सफोलिएंट भी है जो कि आपके स्किन से उन डेड सेल्स को हटाने में आपकी मदद करेगा और आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा। ये एक्ने को ड्राई करके उसे स्किन से रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। बेकिंग सोडा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन ब्रेकआउट से भी बचाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस रेमेडी को ट्राई करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको बता दूँ कि बेकिंग सोडा को बहुत फ्रीक्वेंटली आपको अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को भी इफ़ेक्ट करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 15 दिन में एक बार इस रेमेडी को यूज़ करें, बट उससे ज़्यादा नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी, लाइक 1 or 2 spoons। आप देख सकते हैं मैंने कितना पानी लिया है। तो बिल्कुल थोड़ा सा, अराउंड 2 tablespoons ऑफ वाटर आप ले लीजिए और उसमें डालिए 1 tablespoon या उससे थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। तो मैं करीब इतना बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ पानी में। तो हमारा पेस्ट कुछ इस तरह का बन जाएगा और इसके बाद आप अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लें और फिर इस पेस्ट को अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के आपको लगाना है। ये बहुत ही लाइट पेस्ट बनेगा, तो जहाँ पे भी आपको स्पेशली पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप बहुत जेंटली इसको अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो इसे पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नोज एरिया में स्पेशली मुझे ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पे मैं ये पेस्ट अच्छे से लगाऊंगी। गाइज, याद रखें कि बहुत ही जेंटली आपको ये करना है। अगर इसको करते टाइम आपको हल्का सा सेंसेशन फील होता है, इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होता है, मे बी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो तुरंत इसे वॉश कर लें और अप्लाई ना करें। बेटर होगा कि आप एक छोटा सा पैच टेस्ट करके देख लें अपने इस एरिया में या नेक एरिया में, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पेस्ट आपकी स्किन पे कैसे रिएक्ट करता है। इसके बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए अपने फेस पे छोड़ दें और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लें। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है नॉर्मल वाटर से। तो फेस वॉश करने के बाद हो सकता है आपको अपनी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो, तो उसके लिए आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। मैं मॉइस्चराइज़र लगा चुकी हूँ। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। ये थी एक बहुत ही सिंपल और क्विक रेमेडी to get rid of your blackheads and acne. तो guys, मुझसे share करना ना भूलें
कि इस रेमेडी ने आपको किस तरह से हेल्प किया अपने ब्लैक हेड्स और एक्ने रिमूव करने में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वो कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर माई नेक्स्ट वीडियो अपडेट। टिल देन बाय।